राष्ट्रपति साहब, एक बहुत अहम सवाल है कि आज जो बहुजन मूवमेंट या बहुजन युवा है SC ST OBC का, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर के लिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर ने ऐसा क्या किया जिसको बहुजन समाज को मानना चाहिए? बाबा साहब ने क्या किया, ये तो क्वेश्चन ही एक ऐसा है कि जैसे किसी ऐसे इंसान से पूछा जाए कि जिसको किसी ने खाना खिलाया और वो ये पूछे कि यार मैं तो खाना मुझे किसने दिया और उस खाने, आज अगर हम लोग किसी लेवल तक पहुँचे हैं, हमें अगर इंसान का दर्जा प्राप्त हुआ है वो केवल और केवल बाबा साहब के प्राप्त हुआ है, संविधान के दिए हुए अधिकारों के तहत प्राप्त हुआ है, अन्यथा हमारी ज़िंदगी तो कुत्ते बिल्लियों से भी ज़्यादा बदतर थे। इंसान नाम, इंसान का क्या मीनिंग है, ये तो हमें केवल बाबा साहब के दिए हुए जो हमें उनके द्वारा विरासत मिली, उन्होंने संविधान में अधिकार दिए उन अधिकारों, लेकिन हालत क्या है कि इस देश की सरकारें उन अधिकारों को आहिस्ता आहिस्ता छिन भिन कर रही हैं और मौजूदा जो हमारी सरकार है उसने तो पूरी तरह से ठेका ले लिया है कि उन पूरे अधिकारों को वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देगी, मीनिंग उनको मीनिंगलेस करना चाहते हैं। अधिकार बना रहेगा आपके संविधान में, उसकी व्याख्या को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे बच्चे जिनको रोज़गार मिलना चाहिए था, जो हम लोग जिस तरह से हम लोग इस देश की मुख्य धारा में आए, लेकिन आज हमारे बच्चे नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, हमारे पास ना धन है, ना हमारे पास में कहीं फैक्ट्रीज हैं, ना हमारे पास में किसी प्रकार का रोज़गार हम दे सकते हैं, हम लोग केवल नौकरियों के आश्रित रहे और उस नौकरी से हम केवल अपना परिवार का पेट ही पालते रहे। हम लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि हम अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाएं, उनको हम लोग किसी प्रकार से उनको कहीं उद्यमी बनाएं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मैं अगर गवर्नमेंट में जॉब में हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब में आए, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और जब तक हम लोग खुद रिजर्वेशन का फ़ायदा दूसरों की तरफ ना देने की बात करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम लोग जो पढ़ लिख करके नौकरी पा करके आज अच्छी जगह पे अच्छे तरह से ज़िंदगी गुजर रहे हैं, हम लोग भी आज रिजर्वेशन को अपने लिए ही सीमित रखना चाहते हैं, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी भूल है और जिसका नतीजा हमारा समाज भुगत रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।